गांव के सभी लोग बैठ चुके हैं, बाकी अभी गोदान का समय है, तो गोदान हो रहा है, उसके बाद सभी को खिलाया जाएगा। ये सारे आइटम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। आजकल चल रहा है हमारे बाथरूम का काम। देखो भाई, बहुत दिनों से काम लगा हुआ है। एक बाथरूम ये रहा और एक बाथरूम इस साइड रहा। ये डांट पड़ गई साक्षी को। साक्षी को पड़ गई सुबह सुबह डांट। तराई नहीं की बल। और मम्मी कर रही है यहाँ पे ईंट की तराई। हमारे मिस्त्री इतने अच्छे हैं कि बनाते भी हैं और तराई भी खुद करते हैं और डांटते भी हैं भाई। जो करेगा तो वो डांटेंगे। बाकी दोस्तों, मैं आपको काम दिखा देता हूँ भाई। वैसे तो काम जल्दी हो जाना था, लेकिन उधर भी बनाया हमने, इधर भी। बाकी मिस्त्री जी भी सुबह सुबह आ चुके, हमने चाय दे दी है और तराई भी आजकल यही कर रहे हैं। काम तो हमारा काफी जल्दी हो जाना था, बीच में दो तीन दिन बारिश थी और दो तीन दिन इन्होंने भी ऐसे ही किया, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, फिर अचानक बाद में आए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम हुआ है। बीच में बारिश के कारण भी काम रुक गया था। मैं आपको अंदर से एक दिखाता हूँ भाई, बाथरूम ऐसा कुछ है। यहाँ हमने अपने टाइटन के लिए जगह भी बना दी है, गेट भी लगा दिया है। इधर से ऊपर सीढ़ियाँ लगेंगी तो ये गेट रह के अंदर टाइटन रहेगा। इन बाथरूम को हम काफी बड़ा बड़ा बना रहे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस साइड भी सेम ऐसा ही है। ये लेटरिन अटैच बाथरूम है, मतलब दोनों चीज एक साथ। राधे राधे दोस्तों, अभी जा रहे हम सेटिंग के सामान देखने। तो घर पे जब भी कोई काम लगता है तो बहुत आफत आ जाती है भाई, सभी जगह फैला फैला रहता है। इधर उधर चलो तो मिट्टी और बालू ही पैरों में लगती है। हम इस वाली छत में आ गए हैं जहाँ परसों लेंटर पड़ा था। यहाँ से हमारे गांव का व्यू भी काफी गजब का दिखाई देता है। इसका जूम इतना अच्छा है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं सामने गांव में सारा पता लग रहा है, मतलब अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कौन क्या कर रहा है। ये देखो, ये है भैया तुलसी भैया का मकान, तो वहाँ पे वो लोग नाप ले रहे हैं। ये यहाँ पे कोई पानी लेके जा रहा है, तो देखो भाई इतनी दूर से सारा दिखा रहा है क्लियर। अभी मैं ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो पाइप है, हम जब लेंटर डालेंगे तो ढोला बांधने के काम में आएंगे, तो हम इनको लेके जा रहे हैं। चलो मम्मी उठाओ, एक आप ले जाओ, दो मैं ले जाता हूँ। अभी दोस्तों दो पाइप तो हम ले आए हैं, काफी लंबे और भारी पाइप हैं ये। एक और चक्कर लेने के लिए, पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं आज। और इस साइड चल रहा है भैया लोगों का भी काम, आजकल सभी लोग काम करवा रहे हैं शुरू होने से पहले। और इस जैकी को भी यहाँ बांध रखा है। हेलो, कैसा है? खोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि ये आजकल बहुत गंदगी हो रही है, मिट्टी खा रहा है। और इस टाइम लेके जा रहे हैं हम कड़ी, ये तो और ज्यादा भारी होती है, बोले तो क्या बोलना, बहुत भारी वाली कड़ी है ये। सच में दोस्तों ये कड़ी बहुत ज्यादा भारी है, मिस्त्री पता नहीं कैसे लेके गए होंगे, वो अकेले ले गए इस कड़ी को। ये देखिए दोस्तों, मम्मी उठाने को उठा देती, फिर आधे रास्ते में हार मान लेती है। हर चीज मेरे पे भरोसा, क्या बस का नहीं है ना, जवान लड़का है, मैंने कहा यही ले जाए, इसका भरोसा कुछ नहीं है। मैंने भी ये दो आदमियों की बस की है भाई, तो मैंने बुलाया है पवन भाई को। अभी कड़ी तो रख दिया, फिर से आ रखे पाइप लेने, बहुत हालत खराब हो गई भाई। मम्मी ने तो ऐसा बिता दिया जैसे ये मैं ही दिहाड़ी पे लगाऊंगा। क्या करना, अपना काम है, मिस्त्री का भरोसा भी नहीं होता है। हाँ मतलब सब हमारे अच्छे हैं, सब काम करते हैं, हमारे मिस्त्री काफी बढ़िया हैं, हमारे साथ हर काम में मदद करते हैं। एक ही काम पे तुले रहते हैं, बस ये काम दे रखा है तो यही करेंगे, हमारे मिस्त्री सारे काम करते हैं। मकान भी हमने उन्हीं से बनवाया, लेटरिन बाथरूम भी उन्हीं से बनवाया, उनको टाइम ही नहीं रहता, इतना काम है उनके पास, इसीलिए वो दो दिन कहीं और जाते हैं, फिर दो दिन हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन इस बार हमने कहा यार पूरा बना के दे दो, हर जगह का काम फिर बाद में संभाल लेना, उनकी बहुत डिमांड है मतलब गांव में। पहाड़ों में ऐसा ही होता है दोस्तों, एक शादी हो जाए तो खूब मजे मजे, फिर अगले दिन फिर सजा सजा। कल तक खूब मजे ले रहा था मैं, आप लोगों को भी बहुत इंजॉय लग रहा था। आज देखो भाई फिर से स्ट्रगल का टाइम आ गया है, सुबह से लेकर शाम तक नो रेस्ट, कल रात में पूरा सोया भी नहीं, सुबह उठते ही सीधे से दिहाड़ी पे लग चुके हैं हम। लाइफ यही होती है दोस्तों, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए दोस्तों इस साइड लगे पड़े हमारे मिस्त्री साहब, दो दो मिस्त्री लगा रखे हैं, पवन भाई और ताऊ जी। और ये देखो अब बस इसका दो तीन दिन में लेंटर पड़ने लायक हो जाएगा। दोस्तों आज के टाइम पे बाथरूम बनाना भी बहुत बड़ी बात हो गई है भाई, कमरे तो बहुत दूर की बात है,
जो लोग मकान बना रहे होंगे या बनाया होगा उनको पता है, वो बिक गए होंगे पूरे मकान बनाने में ही। तो ऐसा ही होता है, खर्चा इतना बढ़ गया है कि क्या बताएं। यहाँ से काफ़ी सही दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ना 90% मम्मी की मेहनत है भाई। मतलब मेहनत तो मिस्त्री भी कर रहे हैं, लेकिन सारी मेहनत मेरी है, घर की जो मेहनत। हाँ मिस्त्री खाली है, वो बैठे हैं वो खाली। मिस्त्री को भी तो देना है, उनका भी बाल बच्चे हैं घर में। तो मैं 2 दिन शादी में क्या चला गया, मम्मी ने 90% मेहनत अपनी बता दी है, सारी मेहनत। मतलब मेरे को रुधरू कुछ नहीं रहे, करा धरा कुछ नहीं रहा मेरा। सबको पता है, सीमेंट सारी, बालू सारी, बाजार गया, दिन में टाइम लग रहा तो दिन में गए हम बाजार लेने के लिए, और सुबह शाम खुद भी सारी कुछ खच्चर में सराए, लास्ट में करा धरा कुछ ना। देखो दोस्तों, पहाड़ों में महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं, ये देखो सब मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी मेरे पास अच्छा फ़ोन आ गया तो मैं दिखा सकता हूँ भाई कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं ना कि अमित भाई बहुत मेहनत करते हो आप, तो मैं ही नहीं करता, हमारे गाँव में या हमारे पूरे उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं सभी बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से आप सभी तक पहुँच जाती हैं कि पहाड़ों में लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों अभी हम सभी लोग जा रहे हैं बारसी में दादी जी की। दोस्तों दिन का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है और लगभग 1 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं दादी जी की बारसी में खाना खाने के लिए। पूरा गाँव इन्वाइट रहता है और 12 व्यंजन रहते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी है दोस्तों, हमने गाँव से दूसरी साइड जाना है। ये देखो भाई, अभी दोस्तों बीच गांव वाले काफी लेट हो चुके हैं, सामने देखो भाई लोग बैठ भी गए हैं। आज जो खाना खिलाया जा रहा है वो खेतों के बीच में खिलाया जा रहा है, ये हमारी पूरी सार है जहाँ हम हल लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं। और इस साइड देखो भाई, गांव के युवा और बच्चे लोग अलग अलग बैठे हैं, इधर बच्चे हैं, इधर युवा लोग बैठे हैं, और उधर गाँव की महिलाएं। ये देखो इस साइड गाँव के लोग बैठे हुए हैं और धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं। कुछ तो लेट हो गए क्योंकि गाँव हमारा उतनी दूर है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है गाँव, और गांव से हम इतनी दूर आ रखे हैं। अभी दोस्तों आपको बरसी में बनने वाले आइटम दिखाते हैं। ये है रेठा, देखो भाई दो बड़े बड़े उस पर बना हुआ है। अच्छा ये रायता है और ये है रेठा, और इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें तो सब्जी होगी। ये देखो भाई पूरे गांव वालों के लिए दूधा क्योला सलाद, और अंदर की साइड बनी हुई है सब्जी। दोस्तों काफ़ी सारे आइटम हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई आलू के गुटके, आलू के गुटके इधर हैं, ये समझ ही में नहीं आ रहा है अभी, काफ़ी टेस्टी दिखाई दे रहा है। ये पिनालू हैं अरबी, ये हरी भुज्जी, और ये पापड़। दूध के केले में दूध डाल देते हैं भाई। गांव में जब भी बारिश होती है तो 12 आइटम बनाए जाते हैं अलग अलग। तो देखो भाई पहाड़ों में बहुत बढ़िया लगता है, साल में 3-4 फंक्शन होते रहते हैं। मतलब दादी जी जब एक्सपायर हो गए तो उसके 1 साल बाद होती है बारसी, और जैसे शादी ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो सभी लोग गांव में एकदम बैठ के खाते हैं बढ़िया तरीके से। और एक भैया का कमेंट आ रहा था कि आप लोग नीचे बिछाते क्यों नहीं हो, तो ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इतनी सारी दरियाँ लाना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। गांव के सभी लोग बैठ चुके हैं, बाकी अभी गोदान का समय है तो गोदान हो रहा है, उसके बाद सभी को खिलाया जाएगा। और इस साइड है पंडित जी, तो भाई गांव वालों से पहले पंडित जी खाते हैं। ये देखिए, क्योंकि गांव वालों को खिलाते खिलाते बहुत समय हो जाता है। तो पत्तल मारने के बाद मैं भी बैठ गया हूँ, घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं तो उनके साथ काम करने भी जाना है। कोई कोई लोग तो काफी ज्यादा देर हो गई, यहाँ सभी लोग बैठ चुके हैं। ये देखिए गांव के युवा लोग भी आ चुके हैं। और छोटू ठीक है? जिस टाइम बॉयज लोग बांटते हैं उस टाइम चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन जब पंडित जी आते हैं तो सभी लोग चप्पल उतार के आते हैं। मतलब सभी पंडित जी चप्पल उतार के आते हैं, हम लोग खुद नंगे पैर बैठे हुए इस टाइम। और जो कबार है ठीक ठाक, ये हमारे आशी भाई कल परसों ही जॉब से आए हैं, अचार ले ला, अचार। और आते ही काम पे लग गए हैं। ये हमारे सूरज भाई, हेलो सूरज। ये प्रियांशु भाई, आजकल सभी युवा लोग घर ही पे हैं। प्रिंस भाई बांट रहे दूध के लिए, अगर दोबारा बदल दो मैं ले लो रे। तब 3 गिलास मांगे,
ये देखो 3-3 गिलास मांग रखे हैं इसने। हैं दोस्तों, बारसी में इतने आइटम आ गए हैं कि प्लेट वैसे ही भर गई है। अभी इन दो पतल में भी आना है, रेला, रेटा, रायता और दाल भात भी आएगी। तो बारसी के टाइम ऐसा होता है कि खाना पेट भर के हो जाता है, अलग अलग आइटम रहते हैं। इतने तो शादी में भी नहीं रहते, शादी में तभी रहते हैं जब कैटरिंग वाला सिस्टम हो। और पहाड़ों में कैटरिंग सिस्टम आपने देखा होगा, 100 में से किसी एक शादी में मिलता होगा। अभी दोस्तों थोड़ा बच गया तो हम ठास करके पी रहे हैं क्योंकि पूरी जनता इस साइड बैठी है, वो इधर ध्यान नहीं दे रही है। ना ना दोस्तों, कभी कभी ऐसे हाथ साफ करना पड़ता है जब लगता है कि नहीं मिलने वाला बात। दोस्तों जो बांटता है ना, दोस्तों सच बताऊं, जो बांटते हैं ना तो उनको कभी मिलता नहीं है लास्ट में, तो इस वजह से उन लोगों को चोरी कर रहे हैं। पहले ही खाना लेना पड़ता है, पहले ही खा लेना पड़ता है। रेठा तो आ गया, लेकिन ये है रायता काकड़ी का। ना ना बोल यार। मत ना दिया वा। दोस्तों जो अभी पंडित जी ने बांटा वो था मीठू भात, और उसका तो बहुत ज्यादा क्रेज रहता है पहाड़ों में, हर किसी को मीठू भात चाहिए होता है। मीठा भात होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन ब्राउन। तो सभी लोग एक साथ उठ गए हैं, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, ज्यादातर गांव से आ रखे हैं, 20 गांव से। तो चलते हैं घर की ओर। पहाड़ों में एक चीज बढ़िया है दोस्तों, बैठते भी साथ में और उठते भी साथ में। अगर मैंने पहले खा लिया तो मैं पहले नहीं उठ सकता, क्योंकि फिर वो रीति रिवाज के खिलाफ हो जाता है, और पहले से ही ऐसा चलता आया है। हाँ, ये मुझे भतीजा बोलेगा। देखो भाई, ये देखिए भाई, सभी लोग घर जाते हुए, काफी लंबी लाइन है। दोस्तों जिनके बच्चे स्कूल जा रखे होंगे वो घर भी ले जाते हैं। अभी वापिस से दोस्तों हमारे मिस्त्री जी आ चुके हैं, इसे मम्मी भी हेल्प करवा रही हैं ईंट देने में ऊपर। और चाय लिया है आज, तो चाय चाय पी रहे हमारे मिस्त्री जी। तो आज नहीं, वो हमेशा ही चाय पीते हैं हर एक घंटे में। कोई बात नहीं, दारू से बढ़िया चाय है। सबसे बढ़िया बात है वो ड्रिंक नहीं करते, इस वजह से हम उन्हें चाय दे देते हैं, चाहे 20 मांगे चाहे 100 मांगे। तो मैं जितना काम कर रहा हूँ अगर मैं उतना यूट्यूब पे दिखाने लग गया ना तो मेरी जिंदगी इसी में चली जाएगी। ये बोल एक ही ने, और पीछे एक और था। तो ये रास्ता हमारे खेतों में जाने का है और जंगल में जाने का भी है। तो शाम के समय सभी लोग यहीं से आते जाते दिखाई देते हैं, कोई अपने लिए लकड़ी ला रहा है तो कोई घास ला रहा है गाय भैंसों के लिए। दोस्तों ठीक सामने देखो भाई, शाम के समय हमारा काम भी निपट गया, लेकिन पहाड़ी महिलाएं अभी भी लगी पड़ी हैं। ये देखे दोस्तों, आगे तक बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों सभी गाँव वाले। दोस्तों साक्षी काफी खुश है मेरे फोन आने से, मेरे से भी ज्यादा। साक्षी फोन दे दे, कंटेंट आ गया, साक्षी फोन दे दे, दिमाग खराब कर देता था। कोई बात नहीं, भैया को एडिट भी मेरे ही फोन से करना पड़ता था, और दोनों को ब्लॉग तो डालना ही था। फिर अभी तो बहुत अच्छा है, भैया का फोन भी आ गया, बाकी अभी मन कर रहा है ये फोन काश मेरे पास होता। हाँ, तेरे पास वो है, वही बहुत बड़ी बात है। हेलो करो, गुड बॉय, हाई फाई, गुड बॉय।